देखो जी, आ जाएं राजेंद्र भाई बिजवाड़ा के पास, आपको पहले तो इनका कटड़ा दिखाते हैं कि कटड़ा कैसा है। सभी भाई गौर करो, कटड़े का सिंगार और आँख कितनी अच्छी ले रहा। बाकी थोड़ा सा भी बाहर निकलवाऊँगा, यहाँ थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, इस वजह से आप भाइयों को सही चमक नहीं पा रहा होगा। कटड़ा चारों ही पैर का सफ़ा, फिलहाल 6 दांत कटड़ा है। और देखो जी, राजेंद्र भाई बहुत ही अच्छे अच्छे डंगर रखे हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा। कटड़े का स्थान देखो कितना बेहतरीन स्थान बना रखा। बाकी राजेंद्र भाई एक बैल और लाए हैं, जो कि हमारे यहाँ से दबथवा गांव पड़ता है। बैल ज़्यादातर दबथवा गांव में बैल मेरे हिसाब से अंदाजा होगा, फिलहाल 25 एक बैल होंगे, तो उनमें 25 बैल में थे जो सेकंड गया था जी, वो वाला बैल है। और काफ़ी अच्छा चल, बात भी करवाऊँगी कि वहाँ कहाँ से बैल लाए और कैसे लाए और कौन सा कटड़ा कहाँ से जाऊँगा। तो आप सभी भाई देखियो कि कटड़ा कैसे चला और बैल कैसे चला। तो सभी भाई एक बार बैल का सिंगार पर गौर करो, जैसे कि हमारे बुलंदशहर वाले भाई हैं कई, उन्हें बैल पसंद आवे तो भैया जो बैल की शिकल पर मत जाइयो, चलना तो इतना है हकीकत में, मैंने चलता भी देख रखा बेत हुआ। तो बाकी तो देखो भैया ही बताऊँगे, क्योंकि बैल चला कर उन्होंने देखा कि कैसे चला। बाकी कटड़ा एक बार घुमा कर दिखाता हूँ भाई, एक बार तो भैया अपना नाम बता दो। भाई नाम सागर तोमर, तहसील बड़ोद, जिला बागपत। तो भैया कटड़ा कहाँ से लाए? बावली से आया था। तो कटड़ा उस टाइम पे 6 ही दांत आया था, 4 आया था, 6 आया था। तो जैसे कटड़ा आप वहाँ से लाए थे, तो चला कितना देख कर लाए थे? जेड़ो घुमा के देखा था, चलाया नहीं था। तो जैसे आप यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे कितना चलाया? 15-16 किलोमीटर घुमा रखा। तो कटड़े को कहाँ से ले जाने का इरादा आपका? देखो पता होगा भाई जी, अभी पक्का नहीं है। हाँ एंट्री भी तो है ही, मेडिकल तो नहीं था किसी भाई का, वहाँ दूध मिल गया तो भी पता नहीं। अच्छा, मेडिकल से एंट्री में छोड़ने का इरादा। हाँ उनकी तो यही कर रहे। जैसे कि आपने झुट्टा भी रख रखा, फिर बैल का लाने का क्या कारण रहा कि बैल लाए आप? बस मेरे दोस्त के पास था, वो फ्री हो गया था, कल लगा भाई ले जाओ, मगर चलो। अच्छा, यूज चलने का सही से मिला, मगर चलो। तो भी जी ना, ये तो झोटा कितने का लाए थे जी? भाई 60-65 हज़ार रुपये का था। 62,000 रुपये का? तो जैसे 62,000 का लाए, तो कटड़े में एक खूबी लगी कि हाँ भाई मेरा कटड़ा चलने में बढ़िया है, या फिर? हाँ बस ये भाई, इसका यू है, मारना पीटना नहीं पड़ता। अच्छा, मारना पीटना बिल्कुल नहीं पड़ता, बैठ जो मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, बराबर सब पे बराबर चलेगा। तो ज्यादा दूर की चलना पसंद करेगा या फिर टप्पा? टप्पा भाई। टप्पा कितने चल रहा फिर भी? 18-20, 22-25। अच्छा, 25 ज्यादा कुछ। तो जैसे कि आप कटड़ा इतना अच्छा तैयार हो रहा, उस टाइम पे भी इतना ही था? नहीं, हारा था। तो फिलहाल कटड़े खुआई पे में क्या चल रुका रखा तुमने? जैसे कि कटड़ा भाई इतना अच्छा सोना सुथरा हो रहा, बस वही भाई नॉर्मल तो सभी खुआ हुआ है, दूध चना जही। अच्छा, मुरब्बा मुरब्बा कौन सा दे रहे फिलहाल? बांस के मुरब्बे से फायदे क्या है? जैसे कटड़े को दे रहे लोग बाग भाई फेफड़ों के अच्छे हुए, तो बांस के मुरब्बे से आप गंगा जी नदी कारी जब देने फायदा या अब देने फायदा? वो तो पशु बताते भाई। अच्छा, डिपेंड करे कैसा है कैसा। अच्छा, तो मतलब सांस कम चढ़ने लगे बांस के मुरब्बे का मतलब ही हुआ है। और आंवले के मुरब्बे का क्या मतलब है जी? आंवले भाई खुआ रहे, पेट साफ रखे। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ बैल जैसे आप लाए हो। अच्छा, हाँ तो उसका काम नहीं मट गया था, तो वहाँ उसका मकान बन रहे हैं, वो क्या लगा भाई फ्री है तो एक बार दे ले जो मकान तो वह सुधा तुम्हारी मैं टक्कर से कर रहा है, नहीं, है थोड़ा बहुत मरोड़ी ना, ना कुछ नहीं वैसे थोड़ा बहुत बैठे हैं। अच्छा, तो जैसे आप तो आपने लाके हलोल में चलाया? नहीं नहीं, सब काम निपट गया था, हलोल में चलाया। अच्छा, उन्होंने चलाया, तुमने जाते फिड्डे में जोड़ा? हां बस फिड्डे में भी आज तक दो बार जोड़ा, दो बार जोड़ा। तो क्या बात, चलते हैं जी। लिया मोड़ के और तेज लाइयो, अब के तेज लाओ,
बाइक पर ही रोक लो। मेडिकल से तो टप्पा सी है तन्नू बैठे रही हो। इस पर तो नाता तो भाई हो हैं, इस पर तो नाता हो। नीचे चले या ऊपर? ऊपर। इस पर तो मंजू लगा बड़ा डैक पे जोटा उधर का डक है। चल 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 थोड़न थोड़न दिला चला से दाब का चलो मोड़ ले हंसी मोड़ने भी आप आइएगा।